आओ मैं तुम्हें करबला के शाह सवार की कहानी सुनाऊं। ओए लोगों, कमजोरी की वजह से मेरा दिल इजाजत नहीं देता, वरना मैं तुम्हें दुखड़ा फातिमा सुनाऊं। अल्लाह अकबर, आखिरी वक्त है सैयदा का, आखिरी दिन है दुनिया से जाने का। हजरत अली नमाज पढ़ के तशरीफ लाए, देखा सुबह सुबह काम में लगी पड़ी है। सैयदा फातिमा, तू जहरा का तकड़ा, फातिमा क्या कर रही है? कहा अली, मुझे आज डिस्टर्ब ना कर, मुझे आज रोक ना, वक्त बड़ा थोड़ा, काम बड़ा ज्यादा है, तेरे कपड़े भी धो दूं, तेरी रोटी भी पका दूं, रात के बर्तन भी धो दूं, बच्चों का नाश्ता करवा दूं, अभी थोड़ी देर बाद रोएंगे, इन यतीमों को नाश्ता कोई नहीं पूछेगा। हर तरीके लगे, खुदा खैर करे, फातिमा क्या बात है, कुछ सही बात कर। कह अली, नमाज पढ़कर इशराक के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, बैठे बैठे हिलते हिलते मेरी आंख लगी, मुझे उड़ गई, ख्वाब में मेरा अब्बा मोहम्मद मुस्तफा आ गए और पूछा, बेटी अल्लाहु अकबर, रात क्या खाया था? मैंने मुस्कुरा के दिखा दिया, अब्बा तू रात की बात करते हैं तो 3 दिन से पेट में रोटी नहीं गई। कहा मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के बोसा दिया और कहा, बेटी आज रोजा रख ले, अफ्तारी के लिए दस्तरखान बिछा के तेरा बाप मोहम्मद बैठा हुआ है। हजरत अली की अखियां बरसने लग गई, फातिमा ये तो बेवफाई हुई, तुझे तो जिंदगी का साथ देने का वादा किया था, दुख दर्द में हमारे साथ रही, आज बच्चों की जवानी का वक्त आया, आज फल खाने का मौका है, फातिमा छोड़ के जा रही है। अस्पताल में अम्मी पड़ी है, अस्पताल में अब्बू पड़े, पूछ रहे अम्मी चाबी अलमारी की कहां रखी है? अब्बू जान का शनाख्ती कार्ड कहां रखा है? अम्मा जो तुझे बेवा होने का पेपर मिला था जिसमें पेंशन मिलती थी, अम्मा को कहाँ रखा है? वाह वाह मुहम्मदा, काली कमली वाले की साहबजादी का इंतकाल है। हजरत अली पास आके बैठ गए, फातिमा इतनी जल्दी छोड़ के ना जा, अली बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या अली, मेरे पास वक्त कोई नहीं, 3 बातें मेरी सुन ले, अली इन बातों पर वादा कर अमल करेगा। अल्लाह अकबर, पहली बात ए अली, पहली बात मैं तुझे इजाज़त देती हूँ कि मेरे बाप तुझे शादी की इजाज़त है, जो तुझे मना किया था मेरे अब्बा ने, जब अबू जहल की बेटी से आपका शादी का इरादा था, मैं हसन को गोदी में, हसन को उंगली पकड़ कर हुसैन को गोदी में उठा के मैं हुकाशाना नबूवत में आई और मैंने रोके अपने बाप से झप्पी डाली। मेरे अबू ने पूछा, फातिमा क्या बात है? मेरे ककमली वाले, अली को भी 4 शादियों की इजाज़त, उम्मत को भी 4 शादियों की इजाज़त। आपने फरमाया क्या हुआ? का शादी करे उसकी मर्जी, लेकिन अबू जहल की बेटी मेरे पे ला रहे। हुजूर ने असल की उंगली छोड़ दी, फातिमा को गले से पीछे कर दिया, मिंबर पे चले गए। फरमाया बंसार मदीना और महाजिरे मक्का, सारे के सारे आ जाओ मिंबर पे, खड़ों के लाल। फरमाया अली कहाँ है? जी या रसूलल्लाह। कहा मेरे सामने आके खड़ा हो जा। अली सामने आए, क्या अली, 4 शादियों का हुक्म उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं। अली मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, सुन ले, मुझे पता लगा तो अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहा है। अली मेरा पैगाम सुन, जब तक मेरी बेटी तेरे घर में है, मैं मोहब्बत तुझे दूसरी औरत लाने की इजाजत नहीं देता। ए अली मैं आज इजाजत दे रही हूं, मेरे बाप शादी कर लेना। बच्चों वालों सुनो, हजरत अली से सैयदा फातिमा कहने लगी, अली मेरा दूसरा पैगाम है, अली ऐसी औरत से शादी करना जो यतीमों को, मेरी औलाद को संभाल सके। अली मेरे से वादा कर, फातिमा जी का 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, 1 दिन मेरी निशानियों के साथ भी गुजारना। अली मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, 29 दिन अपनी बीवी के साथ सोना, 1 रात मेरे बच्चों के साथ सोना, और इनके सर पर हाथ रख कर इन्हें गले से लगा के पूछना, अम्मा फातिमा तो याद नहीं आ रही? रवायात में लिखा है हज़रत अली की हिचकी बती हुई, हज़रत अली रो रहे। तीसरी फरमाइश, इतने मेरे शहजादे हुसैन आ गए और आके बाबा का दामन पकड़ के कहने लगे, अब्बा क्या बात है, अम्मा क्यों रो रही है, आप क्यों रो रहे? सैयदा ने अपनी कमजोर सी आवाज में फरमाया, जाओ मेरे बच्चों, नाने के रोजे पर मेरा भी सलाम कह के आओ और अपना भी सलाम कह के आओ। अल्लाह अकबर, अम्मा समझी के थोड़ी देर लगेगी, नाने से बात करके आएंगे। ये फुदकते उछलते दौड़ते हाँपते कांपते आए और अम्मा के सीने पे सर रख के रोने लग गए और कहने लगे, अम्मा अम्मा कहाँ जा रही है?
अब्बा कहाँ जा रही है? हज़रत अली कहने लगे बेटे क्या हुआ? नाने के रोजे पे सलाम करके बैठे थे, नाने के रोजे से आवाज आई जल्दी करो माँ के पास चले जाओ, कब्र तो तुम्हें बाद में भी नजर आएगी, माँ छुपने वाली है, चेहरा कयामत तक नजर नहीं आएगा। सैयदा फातिमा तुज़ज़हरा ने अपने कुर्ते का यूं करके दामन पकड़ा और कहने लगी अली जरा अपना हाथ देना। हज़रत अली ने हाथ दिया और अपने दूसरे अपने कुर्ते का दूसरा कोना पकड़ा दिया। फिर सैयदा फातिमा ने हज़रत अली के हाथ में हाथ दिया, कहा अली सारी जिंदगी मैंने तेरे से कुछ मांगा का नहीं मांगा। अली वो वक़्त याद है ना जब मेरे अल्लाहु अकबर का और तू वजू करके मस्जिद में जा रहा था, मैं धड़ाम से मुसल्ले पे गिर गई, सहारा दे के मुझे उठा के पूछा क्या बात है? मैंने कहा अली चार दिल की भूखी हूं, खड़े होने की हिम्मत ही कोई नहीं रही। अली वो वक्त याद है ना जब मेरा बाप रात के अंधेरे में दरवाजा के बजा रहा था, मैंने कहा कौन? का तेरा बाप मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अरस के अब्बू जान, मेरे अरस के अब्बू जान अकेले हो का बेटी क्यों? का अकेले हो तो अंदर आ जाओ, अगर साथ कोई लेके आए हो। अब्बा जान अंदर ना आना, पहले अपनी चादर मुझे दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ दरवाजे से अंदर डाल के चादर दे दी। फिर फरमाया बेटी क्या बात है? कहने लगी अब्बा जान इसलिए रोका था, आज तेरी बेटी के पास इतना भी कपड़ा नहीं कि अपना बदन लपेट सके। लाइव गुफ्तगु चल रही है और मोबाइलों पर घर में सुनाने वालों गौर करो, गौर करो, तेरे मेरे घर में कौन सा दिन ऐसा गुजरता है कि कपड़ों पे झगड़ा नहीं होता? सेल लगी हुई है, अबे पैसे दे, कहां से लेके आए, किसका खून चोड़ के लेके आए, कहां चोरी करके आए, कहां राब पाई करके आए, जितनी उसकी तनख्वाह थी उतनी लेके आए, बाकी कहां से लेके आए? तेरी सेल के लिए लाखों घर तबाह हो गए। अली आपसे कुछ मांगा का नहीं, आज मांगोगी तो कुछ दोगे? अल्लाह अकबर। हतीर कहने लगे फातिमा मांग क्या मांगती है? कह लगी अली जरा मेरी झोली में झांक के देख, अली मेरी झोली में झांक के देख। हतरी झांकने लगे फातिमा क्या है? काली जरा जुबान हिला के दो बोल, दो बोल, दो बोल इस झोली में डाल दे ताकि मरने के बाद अब्बा को जाके झोली दिखाऊं और सर फखर से बुलंद करूं। हज़रत अली कहने लगे क्या डालूं? कल ही सिर्फ इतना बता दे तू मेरे से राजी है कि नहीं, मेरी खिदमत से राजी है कि नहीं। हज़रत अली की चीख निकली का फातिमा हाथ जोड़ता हूं, जिंदगी में तूने न कपड़े का न रोटी का न मकान का सवाल किया, अल्लाह की इज्जत की कसम तू फातिमा इन कानों ने सुना उसकी जुबान से जिसकी जुबान पे हमेशा हक आया सच आया कुरान आया। उस नबी ने मिंबर पे खड़े होके कहा था मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। रही मेरी बात, रही फातिमा मेरी बात, रब्बे मोहम्मद की कसम है तो मेरी रजा की बात करती है। रही मेरी बात ए फातिमा, हुजरे में अली तेरे से राजी हो गया, रोजे में अब्बा तेरे से राजी हो गया, अल्लाह की कसम जमानत दे रहा हूँ अरशों पे खुदा तेरे से राजी हो गया।